अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चे जा चुके हैं, आज गए हैं अम्मी छोड़ने के लिए। तो बस अभी गए, अभी अभी निकले हैं वो लोग और बस आने वाली है। आज बिल्कुल मूड नहीं था उठने का, होती है ना आदत, एकदम उठ के काम करना अभी शुरू हो गया फिर से। रमज़ान में अच्छा था, इस टाइम पर कोई काम नहीं था, किसी का खाना पीना नहीं था, कुछ टेंशन नहीं थी। अभी उठे, उठ के फटाफट से चाय बनाई है, आटा गूंदा है, रोटी बनाने लगी, बना ली थी तो अम्मी ने कहा कि आज दाल चावल खाना है भाई, हमको तो दाल चावल खाना है तो दाल चावल बनाओ, आलू की भुजिया बनाओ। तो फिर बस वही आलू की भुजिया, आलू काट रही हूँ। आज मुझे 10 बजे निकलना है तो काम करके निकलना पड़ेगा। आज खाना पीना जो भी, अभी ये तो खाते नहीं दाल चावल आलू की भुजिया, तो अभी इनके लिए शाम में आके कुछ पकाऊँगी। तो फिलहाल अभी तो पूरा मैस हो रखा है घर, ये भी सेट करना है सब कुछ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी काम करके भाई मैं अंदर आके आराम से बैठ जाऊँ, तो एटलीस्ट वो टाइम मुझे मेरा टाइम मिलेगा। बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि अभी आलू की भुजिया बनाना, दाल चढ़ाया है। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और निकल रही हूँ स्कूल के लिए। तो जो भी काम है पेंडिंग तो कर लेते हैं क्योंकि घर पर रह के भी क्या ही करेंगे। तो बस ये कल वाला सूट मैंने पहन लिया क्योंकि ईद का दूसरा दिन है, तो ये वाला सूट मैंने पहन लिया है और बस अब निकलते हैं। और बाहर से वड़ा पाव ले लूँगी मैं क्योंकि कुछ खाया नहीं है, हल्की भूख अगर वहाँ लगी तो वड़ा पाव चाय पार्सल करा के और चलते हैं स्कूल। 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो चलते हैं आराम से। ये देखो आज संडे का दिन है, रूम की हालत तो देखो क्या हो रही है, और मेरी खुद की हालत देखो, इतनी गर्मी है कि इस रूम में तो बिल्कुल सो नहीं सकती क्योंकि यहाँ से ना इतनी गर्म हवा आती है और यहाँ पे बहुत गर्म लगता है, इसीलिए बाहर बैठी थी। और बाहर भी ये मुझे पका रहे हैं, इतना बकवास देख रहे हैं, बोर हो गई हूँ मैं। तो चलती हूँ किचन में, चाय वाय बनाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा काम कहाँ से शुरू करूँ, वो भी फैला है, उधर ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं, इधर पर्स फेंका हुआ है, न्यूज़पेपर फेंका हुआ है, क्या करें। शाम हो गई और धूप का हाल तो देखो, और ये बाहर का मैंने आपको दिखाई दिया रूम, इस तरह का हाल हो रहा है। ये पता नहीं क्या ही चलाया हुआ इन्होंने, यहाँ पर आ गए हैं इनके फ्रेंड्स। आइसक्रीम कौन लाया? अच्छा, तो अभी चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं और टाइम हो रहा है 6, पानी भी आने वाला है। तो बस पानी आने वाला है, पानी यहाँ गिर गया मेरे से गलती से, तो पानी का भी देख लेते हैं क्या हाल है। इसको खोल के रख लेते हैं ताकि भाई पानी आए तो भर जाए, क्योंकि आजकल गर्मी है तो पानी तो चाहिए। फ्रिज में भी पानी भर भर के रख ले, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो ये हाल चल रहा है। अभी चाय चढ़ा लेते हैं, शाम हो गई है, चाय वाय बनाते हैं और देखते हैं अभी क्या है आगे का। गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, चाय पीना तो ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं, कुछ शाम की भूख का इंतज़ाम करते हैं क्योंकि अम्मी को भी भूख लग रही है, इनको भी भूख लग रही है। भूख मतलब कि स्नैक्स कुछ करने का दिल जा रहा है खाने का, तो सोचिए भेलपुरी का जो पैकेट आता है वो ले आती हूँ और अम्मी के लिए जो है वड़ा पाव लेके आती हूँ, और बाकी बच्चे भी घर में हैं तो उनके लिए देखती हूँ पैटीज वगैरह कुछ बेकरी से ले आती हूँ। तो ऐसा कुछ करते हैं, शाम हो गई, छुट्टी का टाइम है, हमारी छुट्टी नहीं है उन लोगों की छुट्टी है, तो अपने को काम करना है, तो चलो चलते हैं शाम का। शाम का माहौल मैं दिखा देती हूँ, सुनसान है लेकिन हवा मौसम अच्छा हो रहा है। अभी दिन में बहुत गर्म था बट अभी बहुत अच्छा हो गया, हवा चल रही है। और
लो कहाँ है मिश्का, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? और तो पैटीज तो मिली नहीं, मैं गई थी लाने, वड़ा पाव भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। रूम ठीक करो, रूम तो सोसाइटी में जा चुकी है लाइट, मतलब गर्मियाँ शुरू हुई और यहाँ लाइट की इतनी प्रॉब्लम होने लगी है। हमेशा जाती है, दिन में चली जाएगी, दिन में तो इतनी कड़क धूप होती है, दिन में चली जाएगी, रात में चली जाएगी, कोई वक्त ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा जाने लगी है। गर्मियों में ही जाती है, सर्दियों में पता नहीं जानबूझ के करते हैं, क्या करते हैं मालूम नहीं। तो खैर यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, ये जनरेटर से लाइट जलती है, तो वो है इन्वर्टर या जनरेटर जो भी। और देखो दूर दूर तक उधर भी अंधेरा है, इस तो यहाँ तक लाइट गई हुई है, उस तरफ है। तो बस शाम की चाय वह हो चुकी है, अभी आटा गूंथूंगी, रोटी बनाऊंगी, सबको भेलपूरी बना के दे दिया था तो वो हो गया है। अब देखते हैं खाने में क्या खाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। जो है बैंगन आलू दिन के, वो इनको पसंद नहीं है, तो अब देखते हैं वो क्या करते हैं, खाते हैं नहीं खाते। तो रोटी बनानी है बस, और देखेंगे अभी अलग से क्या, कुछ समझ में नहीं आता भाई पकाने का। तो कल है संडे, तो कल का भी पकाने पकाने का कुछ तो भी रहेगा, तो देखते हैं अभी कैसे क्या करना है। और यहाँ पे बना रहे हैं पोंगा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पता नहीं, घी में रोटी में घी डाल के और इस पर शक्कर, इस तरह से गुड़ डाल हो तो गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर है तो शक्कर, और उसके बाद इसको ऐसे रोल करके और बस। तो ये हो रहा है इनका और मारिया का खाना। मुश्का के लिए बन रहा है अंडा पराठा, बाकी बैंगन आलू बने हैं तो वो रोटियाँ बना के रखती है। बस रात को खाना आज यही है सिंपल, और कल का देखेंगे, कल कुछ बनाएंगे अच्छा सा। बाय। तो ये देखो अभी टाइम जो हो रहा है वो बज रहे हैं 12, और कल है संडे, और यहाँ पे चल रही है नदिया के पार। तो बस अभी ये उठ के गए हैं क्योंकि अभी इनको नींद आ रही है, आप तो मुझे भी नहीं है, बट अब निकलेंगे, ठीक है बंद करते हैं। तब से खाना पीना तो पहले हमने देखी एक मूवी जिसका नाम था खट्टी खट्टा मीठा, पुराने शब्द बनाने की, और उसके बाद अभी ये लगाई, अभी आदत खत्म हुई है, तो बहुत लंबी है, बाद ही देखा जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं।